नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्काउंट सेटअप किया था अपनी वेबसाइट पे, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट पे या ऑर्डर पे कैसे डिस्काउंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेटअप करेंगे कूपन्स। कूपन्स का आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि हर कोई कूपन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, डिस्काउंट देने के लिए। तो वो कैसे किसी प्रोडक्ट पर हम लोग कूपन प्रोवाइड करें कि हम लोग कूपन अप्लाई करें और उसके बाद हमको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो उससे पहले कि हम लोग कूपन इंस्टॉल करेंगे, तो ये हमारे पास कॉमर्स कूपन है, ठीक है, ये मॉड्यूल हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी कॉमर्स डिस्काउंट आपके पास होना चाहिए, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। और चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड करके हम लोग उसको अपनी डायरेक्टरी में रख लेंगे। हम लोग ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल तो ये आ गया कॉमन कूपन, ठीक है। तो कूपन में हम लोग कूपन डेट, यूजेज, यूजेज और यूज़र सब इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल चेक कर लेंगे सबका एक बार, धीरे धीरे वन बाय वन हम लोग सबका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में कूपन। तो जैसे ही हम लोग कूपन इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमें एक नया लिंक मिल जाएगा हमारा स्टोर के अंदर, ठीक है। वहाँ ऑप्शन आ जाएगा कूपन का, ठीक है, वहाँ से हम लोग अपना कूपन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टोर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा कूपन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपनी वेबसाइट का कूपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप वेबसाइट का कूपन क्रिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट में जाएंगे, ठीक है, ऐड अ न्यू डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से हम लोग डिस्काउंट भी क्रिएट करेंगे, कूपन भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, माई फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद डिस्काउंट में हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हमारा रहेगा कि हम लोग ऑर्डर पे ही डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है, और ऑर्डर पे डिस्काउंट लगाएंगे, और ऑर्डर पे जो डिस्काउंट रहेगा हमारा, वो हमारा 10% ऑफ रहेगा, ठीक है। 10% नहीं, 10% ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, अगर 10% ऑफ रहना होगा तो आपको ये 10% यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने 10 GBP ऑफ कर दिया, ठीक है, 10 GBP ऑफ, ठीक है, 10 GBP ऑफ कर दिया। और उसके बाद जो अब नीचे जब आएंगे, तो आप ये आप सेटिंग्स हैं, आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है, किस डेट से किस डेट तक ये आपको कूपन रखना है या डिस्काउंट रखना है, ठीक है, कूपन। और अगर हम लोग जब इसमें कूपन अप्लाई करेंगे, तो हमें ऐड न्यू कूपन करना पड़ेगा, और ठीक है, ये हम लोग कूपन कोड हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमें अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस हैं कुछ, सभी पे अप्लाई करना है या किसी डेट रेंज पे अप्लाई करना है, ठीक है, और मैक्सिमम यूजर्स पे अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग ऑल लेके चलते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कूपन यहाँ ऐड हो गया, कूपन हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, चलते हैं अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं,
एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। अपडेट, चेकआउट, चेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी हमारे कूपन अप्लाई का ऑप्शन आ गया हमारे पास यहाँ पर नीचे, ठीक है। ये इस तरीके से कूपन इंटर योर कूपन हेयर, ठीक है। हम लोग जब पेस्ट करेंगे तो देखो अभी यहाँ पर कूपन अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग अप्लाई करते हैं ऐड कूपन, कूपन कोड अप्लाइड, ठीक है। कूपन कोड अप्लाइड हो चुका है और कूपन का जो नाम आप रखेंगे यहाँ पर वो यहाँ पर आ गया, और वो 10 जो आपका करेंसी था 10 GBP उसने माइनस कर दिया, ठीक है। ये डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट में कूपन अप्लाई कर सकते हैं, ये उस पर था, ठीक है। आपको अगर परसेंटेज पे देना है, जैसे कि इसी पे, इसी को हम लोग, इस जो कूपन हमने बनाया है उसमें चलते हैं डिस्काउंट में, ठीक है। डिस्काउंट में जाने के बाद हम लोग ने जो फर्स्ट कूपन बनाया था उसको करते हैं एडिट, और उस पर हम लोग, ठीक है, उस पर हम लोग परसेंटेज पे दे देते हैं, जैसे 10% पे हमने दे दिया, ठीक है, और उसको सेव कर दिया। तो अब जो हमारा डिस्काउंट लगेगा वो 10 GBP नहीं लग के 10% का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। देखिए 33 डॉलर का उसने उतना लगाया, 3.30, ठीक है, GBP, और उसने कन्वर्ट कर दिया, ये कूपन कोड अप्लाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर, रिमूव करेंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा, और हम लोग अप्लाई करेंगे फिर से तो ऐड करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ लिख के भी आएगा 10% ऑफ, ठीक है। तो ये दोस्तों था कि हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट्स में कूपन्स का यूज़ करें, ठीक है। और भी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो अभी कभी खाली टाइम पे हम लोग फ्री होंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल ये हमारा एक कॉमर्स का सीरीज़ चल रहा है, तो उसमें हम जितने टॉपिक यूज़फुल होते हैं कॉमर्स में वो कवर करते चले जाएंगे, ताकि आप एक सिंपल सी एक वेबसाइट तो बना सकें, ठीक है। तो ये कॉमर्स, ये था वीडियो कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पर कूपन अप्लाई करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।